पुलिस लाइन में चिन्हित स्थान के कायाकल्प कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर किया गया श्रमदान। रविवार को पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी के नेतृत्व में चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान के कार्यक्रम में समस्त अधिकारी व कर्मचारी गण द्वारा पुलिस लाइन में परिसर में चिन्हित स्थानों में श्रमदान किया गया। उक्त कार्यक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज, क्षेत्र अधिकारी बलदी राय, विजयमल यादव, क्षेत्र अधिकारी नगर सतीश चंद्र शुक्ला, क्षेत्र अधिकारी जयसिंहपुर दलबीर सिंह, प्रतिसार निरीक्षक इंद्रसेन सिंह, पुलिस लाइन सुल्तानपुर आरटीसी प्रभारी भगवती यादव एवं अन्य अधिकारी कर्मचारीगण द्वारा चिन्हित जगह की साफ सफाई में श्रमदान किया गया। पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर ने स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान भारत के गौरवशाली इतिहास से प्रेरणा लेने वाली प्रभात फेरी का सभी उपस्थित पुलिस कर्मियों के साथ सामूहिक गान किया एवं समस्त पुलिस कर्मियों को स्वच्छता एवं श्रमदान हेतु जागरूक किया गया। उक्त स्वच्छता अभियान के क्रम में समस्त प्रभारी निरीक्षक थाना अध्यक्षों के द्वारा पुलिस बल के साथ अपने अपने स्थानों परिसर व कार्यालय की साफ सफाई की गई। कैसा अभियान है ये जो आज पुलिस लाइन में कई वर्षों के बाद सफाई चल रही है? हमारे पास पुलिस लाइन सुल्तानपुर में आरटीसी के जवान हैं, पुलिस कार्यालय और पुलिस लाइन्स के हमारे साथी अधिकारी और जवान हैं। प्रत्येक रविवार को पुलिस लाइन में इस तरह का श्रमदान का अभियान चलेगा। श्रमदान से एक ओर सफाई होती है, दूसरी ओर भाईचारा आता है, सॉलिडरिटी आती है, एकात्मकता आती है और हमारा संकोच छूटता है। जब हम पब्लिक प्लेस की सफाई कर सकते हैं, खराब से खराब, गंदी से गंदी नाली की सफाई कर सकते हैं तो अपना घर साफ करने के लिए भी प्रेरित होंगे। साथ ही साथ ये जो भौतिक गंदगी दिखाई दे रही है जिसको हम लोग आज साफ कर रहे हैं, इसके साथ साथ जो हमारी मानसिक गंदगी है उसकी भी सफाई का की प्रेरणा मिलती है। हम लोग मिलकर काम करते हैं, ईर्ष्या का भाव समाप्त होता है और एक टीम भावना जिसकी पुलिस में अत्यंत आवश्यकता होती है उसका भी यहाँ एक तरह का जागरण होता है। मेरा अनुरोध है कि जो समाज से जुड़े लोग हैं, कॉलोनीज में रहने वाले लोग हैं, वो भी प्रत्येक सप्ताह अपने यहाँ ऐसा सफाई कार्यक्रम चलाएं। जो कॉलोनीज है उसमें सफाई अभियान चलाने का एक उद्देश्य ये भी होता है कि झाड़ झंखाड़ में चोर और उचक्के छिपे रहते हैं, दिखाई नहीं देते, पुलिस की गश्त होती है उस समय भी नहीं दिखते हैं, जुआ होता है ऐसी खोह में, लोग आड़ देके शराब पीते हैं, इस सबसे भी हमारे समाज को मुक्ति मिलती है और एक स्वच्छता का अभियान भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की उच्चतम प्राथमिकता है, उसका अनुपालन भी होता है।